न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं सावेद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। गोंदिया कॉलेज के क्लर्क ने ऑनलाइन पेपर किया लीक। एनयू ने बीएससी चौथे सेमेस्टर के मैथ्स की एक परीक्षा को रद्द किया। गोंदिया कॉलेज में एक क्लर्क द्वारा छात्रों के बीच प्रश्न पत्र ऑनलाइन लीक होने के बाद गुरुवार को राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय यानी RTMNU द्वारा बीएससी सेमेस्टर 4 गणित 1 का पेपर रद्द करना पड़ा। अब यह परीक्षा 6 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि इस बार परीक्षा ग्रह केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और इसलिए कॉलेज भी अपने छात्रों के स्कोर में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। गोंदिया के खराखराम देशमुख महिला महाविद्यालय में गुरुवार को हुई घटना इस बात का सबूत है। बीएससी छात्रों का गणित 1 का पेपर 23 जून गुरुवार को सुबह 9:30 बजे होना था। परीक्षा ऑफलाइन मोड में एमयू प्रारूप में होनी थी। पिछले अनुभवों के देखते हुए किसी भी अंतिम मिनट की गड़बड़ से बचने के लिए विश्वविद्यालय ने निर्धारित समय से 90 मिनट पहले पेपर अपलोड करने का निर्णय लिया था। प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक संबंधित कॉलेज एक अधिकृत व्यक्ति पासवर्ड टाइप करता है, आवश्यक संख्या में प्रिंट आउट लेता है और बाद में प्रश्न पत्र के इन प्रिंट आउट को छात्रों के बीच वितरित करता है। चूंकि परीक्षा सुबह 9:30 बजे थी, इसलिए RTMNU ने सुबह 8 बजे पेपर अपलोड किया। गोंदिया के रखाराम देशमुख महाविद्यालय में क्लर्क देसाई ने कथित तौर पर सुबह 8:30 बजे पेपर डाउनलोड किया और सुबह 9:45 बजे तक छात्रों को उनके मोबाइल फोन पर पेपर मिल गया। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन के निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल साबले ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हमने कुछ छात्रों से बात की और उनके बयान दर्ज किए। कागज पर वाटरमार्क मोबाइल फोन पर दिखाई दे रहा था और कॉलेज की पहचान का संकेत दे रहा था। हमने तुरंत कार्रवाई की है और परीक्षा रद्द कर दी है। हमने कॉलेज से यह भी कहा कि वे इस साल विश्वविद्यालय की कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएंगे। मामले को अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को भेज दिया गया है। गोंदिया कॉलेज में एक क्लर्क द्वारा छात्र के बीच प्रश्न पत्र ऑनलाइन लीक होने के बाद गुरुवार को टुकड़ू जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी सेमेस्टर 4 गणित 1 का पेपर रद्द करना पड़ा। अब यह परीक्षा 6 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि इस बार परीक्षा गृह केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और इसलिए कॉलेज भी अपने छात्रों के स्कोर में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। गोंदिया के सखाराम देशमुख महिला महाविद्यालय में गुरुवार को ही घटना इस बात का सबूत है। बीएससी छात्रों का गणित 1 का पेपर 23 जून को गुरुवार को सुबह 9:30 बजे होना था। परीक्षा ऑफलाइन मोड में एमसीक्यू प्रारूप होनी थी। पिछले अनुभवों को देखते हुए किसी भी अंतिम मिनट की गड़बड़ से बचने के लिए विश्वविद्यालय ने निर्धारित समय से 90 मिनट पहले पेपर अपलोड करने का निर्णय लिया था। हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS न्यूज TV ऐप। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर भी जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।